सो ए गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं कुछ मिनिमम सामान के साथ कैसे पास्ता बना सकते हो दिखा रही हूँ। तो पहले मैं ये कैप्सिकम था तो उसको कट कर रही हूँ। फिर मैं टमाटर और ओनियन को भी ऐसे ही लंबे लंबे काट के रख दिया था। फिर मेरे पास पास्ता सॉस भी नहीं थे और सॉस वगैरह भी नॉर्मल सॉस भी नहीं थे जो कि बनाना चाहिए। तो मैं ये मेरी तरह मैं कैसे मतलब जल्दी बनाने के लिए ये पास्ता कैसे बनते हैं बहुत ही कम सामान में वो मैं आज कर रही हूँ। वैसे मेरा चैनल तो कुकिंग का नहीं है, तो मैंने ये वीडियो पढ़ा था मेरे फ़ोन पे, तो मैं सोची कि चलो इसको अपलोड कर ही देते हैं। तो इधर मैं पास्ता को भी बॉईल कर रही थी पानी के लेके। फिर मैंने उसको जब पानी से अलग किया था, वो वाला वीडियो मैंने नहीं दे रखा है इसीलिए। फिर अभी मैं उसको सारे जो वेजिटेबल्स कट किए थे उसको मैं फ्राई करूँगी। तो अगर आप ये मेरा कुकिंग चैनल है सोच के अगर ये आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ही कम सामान के यूज करके मैं बना रही हूँ, जो कि बस अभी ये चिली फ्लेक्स वगैरह था लकीली, तो वो भी थोड़ा डाल दी कि थोड़ा तीखा तीखा लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बनाया है, ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है तो अच्छे से वीडियो नहीं है, बस ऐसे ही मैंने रखा था। तो चलो मैं सोची कि शेयर कर दूँ, क्योंकि डेली ब्लॉग्स बनाने के लिए भी मैंने सोची थी पर वो मेरे से कभी होता नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक ये वीडियो तो ऐसे ही बना रही थी पास्ता तो बना दी थी। तो रेडी है मेरे वर्जन के पास्ता।